भारत में सितंबर अक्टूबर में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए पैसा छापने का सीजन शुरू होता है। पैसा ही पैसा होगा। इस समय फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होती है, जब अधिकतर लोग नया वाहन खरीदने के लिए अपने धन की तिजोरी खोल देते हैं और कंपनियां इसी सुनहरे मौके पर चौका लगाती है। लेकिन अधिक से अधिक पैसा बटोरने के लिए कार कंपनियां अपनी नई गाड़ियों को भी मार्केट में उतारती है, ताकि लोगों में बिल्कुल नए माल की मदहोशी चढ़ा सकें। चलिए अब देख लेते हैं कि इस बार सितंबर अक्टूबर के महीने में कार कंपनियां कौन सी नई कारें मार्केट में उतार रही हैं। सबसे पहली कार है फोक्सवैगन टाइगुन, जो सर्वगुण संपन्न है। कंपनी ने 2 महीने पहले ही इसकी नुमाइश कर दी थी। ये डायरेक्टली क्रेटा और सेल्टोस की कोरियन जोड़ी से मुकाबला करेगी। टाइगुन में 1 लीटर और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेंगे, जो सड़कें छीलने की क्षमता रखते हैं। टाइगुन का ऑफिशियल लॉन्च 23 सितंबर को होगा, लेकिन इसका साथ निभाने के लिए स्कोडा कुशैक पहले ही जंग में उतर चुकी है। अब देखना ये है कि क्या ये दोनों मिलकर कोरियन जोड़ी को धो पाएंगी या खुद निपट जाएंगी। अगला बड़ा लॉन्च है टाटा की छोटू एसयूवी पंच का। पहली बार इसे ऑटो एक्सपो में एक कॉन्सेप्ट के तौर पर दर्शाया था, तब नाम था HBX। तब से ही लोग इसके दीवाने हुए पड़े हैं, क्योंकि लुक इसका बड़ा ही धांसू था। हालांकि जो फाइनल बिकाऊ मॉडल है वो कॉन्सेप्ट के मुकाबले थोड़ा लुल फील होगा, लेकिन फिर भी इसका बेसब्री से इंतजार जारी है। इसकी लॉन्च डेट अभी फिक्स नहीं, पर इतना पक्का है कि अक्टूबर में ये पंच बजाना शुरू कर देगी। लेकिन ये किन किन गाड़ियों पे मुक्का धरेगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे को। फोर्स मोटर्स ने सोचा कि अगर महिंद्रा ने रेंगलर बनाया तो हम भी जी वेगन बनाएंगे, और फाइनली तैयार हो गई नई फोर्स गुरखा, जिसको कुछ लोग नेपाली जी वेगन भी कहते हैं। फोर्स गुरखा 2008 में लॉन्च हुई थी। मकसद था महिंद्रा थार को आंखें दिखाना, लेकिन थार के सामने इसकी बिल्कुल ना चली। अब फोर्स मोटर्स फिर से गुरखा को नए रंग रूप में पेश करने जा रही है। ये मर्सिडीज के 2.6 लीटर डीजल इंजन पर निर्भर है, जो पावर के हिसाब से बिल्कुल ही थकेला है। सिर्फ 89 हॉर्स पावर के दम पर ये थार को क्या ही टक्कर देगी। अब इसके बाद रुख करते हैं MG एस्टर की तरफ। ये चाइना कब्जाई ब्रिटिश कंपनी की SUV है। इस SUV को कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक कार ZS EV से ही विकसित किया। ZS EV के बिजली संचालित गुर्दे फेफड़े निकालकर उसमें पेट्रोल पियक्कड़ यंत्र का प्रयोग कर दिया। भारी बनावट में भी भारी भरकम बदलाव है, और फीचर्स में तो कंपनी ने ADAS का लेवल 2 फेंक के मारा। MG इसको सितंबर या फिर अक्टूबर में तो पक्का लॉन्च कर देगी। फिर ये क्रेटा, सेल्टोस, कुशैक और टाइगुन जैसी गाड़ियों से घुसंडबाजी करेगी। फोर्ड मोटर्स भी अपनी सबसे पॉपुलर कार इको स्पोर्ट के फेसलिफ्ट के जरिए धप्पा करने की तैयारी में है। हाल फिलहाल में इसकी झलक दिखाई दी थी, लगता है किसी एंग्री मछली से इंस्पायर्ड है। ये बात सही है कि इको स्पोर्ट पावर में एक धूल चटाने वाली गाड़ी है, लेकिन अब इसको नेक्स्ट जनरेशन की सख्त जरूरत है। वैसे फोर्ड की हालत इस समय फटे हाल है, तो लगता नहीं कि कोई भी बड़ा लॉन्च अब कंपनी की तरफ से शायद ही होगा। ये इको स्पोर्ट अक्टूबर में दस्तक तो देगी, फिर देखते हैं कि फोर्ड की किस्मत चमकेगी या फुस होगी। जब सब कुछ ना कुछ लॉन्च कर रहे हैं तो मारुति कैसे पीछे रहे। अपनी नई सेलेरियो पे काफी समय से मेहनत कर रही मारुति कुछ ऐसा खतरनाक डिजाइन बनाई है। ये तो टट्टी है। बुरा मत मानना भाई, इसे देखकर जो मन में आया वो बग दिया। आई थिंक पुरानी सेलेरियो ज्यादा बेहतर दिखती थी। इसके लुक से ऐसा लगता है कि मारुति ने अपनी सभी हैचबैक्स के डिजाइन की खिचड़ी बनाकर इसको तैयार किया। खैर डिजाइन जैसा भी हो, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन सेलेरियो है, इसलिए फीचर्स पहले से ज्यादा मस्त होंगे। इंजन इसमें वही सेम ही मिलने वाले हैं। ये अक्टूबर के महीने में दस्तक देगी, तब हमेशा की तरह टियागो और सेंट्रो से भिड़त जारी रहेगी। तो भाई लोगों, ये है वो सभी कार्स जो अक्टूबर तक मैदान में उतर जाएगी। वैसे इसमें से किस कार के लिए आप ज़्यादा उतावले हैं, उसका जिक्र हमें कमेंट में धर के जरूर बताएं। जय हिंद।